अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स और समोसे। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए आलू उबले हुए 2 अदद, 2 कप बोनलेस चिकन जिसे मैंने नमक और काली मिर्च डालकर थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया है, उबली हुई गाजर क्यूब्स में कटी हुई 2 अदद, प्याज बारीक कटा हुआ 1 अदद, आधी बंद गोभी बारीक कटी हुई, मटर उबले हुए 1 कप, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद, इमली और पानी की पेस्ट 1/2 कप, काली मिर्च 2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, ऑयल 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। एक कढ़ाही में 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसमें फ्राई चिकन और तमाम सब्जियां डालकर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। फिर इसमें इमली और पानी की पेस्ट ऐड करेंगे, फिर नमक, काली मिर्च, ग्रीन चिली पेस्ट और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब मटेरियल ठंडा हो जाएगा तो इससे रोल्स और समोसे बना लेंगे। पहले समोसे बनाएंगे। 1 टेबल स्पून मटेरियल को समोसा पट्टी में फिल करके इससे समोसे बना लेंगे। फिर इसी मटेरियल या फिलिंग से रोल्स भी बना लेंगे।
फिर एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, एक एक करके ये रोल्स और समोसे इसमें डालते जाएंगे, फिर इन्हें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तैयार है मज़ेदार स्प्रिंग रोल्स और समोसे।